नमस्कार, प्रणाम। आज है तीज का दिन। बिहार में तीज को बहुत जोर शोर से मनाया जाता है और इस बार हम अपने ससुराल में, मेरा तीसरा व्रत है ये तीज का, हम आपको दिखाते हैं कि हम तीज कैसे मनाते हैं। दीपाली सहाय और ये है ऐश्वर्य सहाय, मेरे हस्बैंड, जिनके लिए हम इस बार तीज का व्रत रखने वाले हैं। तो हम लोग एक्चुअली निकले, तीज की तैयारी शुरू हो चुकी है। तीज में अभी एक दिन बाकी है, पर आज हमको तीज के लिए जो हमको हमारे मेरे ससुराल में जैसे होता है कि यू हैव टू वेयर एवरीथिंग न्यू ऑब्वियसली तीज में, तो इवन जब आप कपड़े बदल के रात को जब आप सोने जाएंगे तो दैट नाइट ड्रेस हैज टू बी न्यू, और साड़ी, और जब आप नेक्स्ट डे पूजा करके उठेंगे सुबह नहा के, वो ड्रेस भी नया होना चाहिए। हस्बैंड शुड आल्सो बी न्यू। हस्बैंड शुड। ये देखिए, मुजफ्फरपुर में हो गई है ताजी ताजी बारिश। ये है शेरपुर गुमटी। चलिए आज हम आपको ऐसा करेंगे ना कि ट्रेन दिखा ही देंगे। पहले दो साल जो हम तीज किए थे तो हमको बहुत रोना आता था कि अरे बाप रे, भूखे कैसे रहेंगे। हम कभी कोई फास्टिंग नहीं किए थे, कभी किसी भी तरह का व्रत नहीं किए थे, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, कुछ नहीं किए थे, कभी नहीं किए थे। तो जब पहले ही साल हमको तीज करना था तो हम एकदम स्ट्रेस में थे। और मेरी सास जो है, मम्मी, वो निर्जला व्रत करती है, मतलब पानी भी नहीं पीती है। तो मम्मी हमको बोली कि निर्जला होता है हमारे यहाँ, तो हम तो रोने लगे, आंसू गिरा के रोने लगे। तो वो हंसने लगी, बोले अच्छा ठीक है, तुम लोग निर्जला मत करो, मेरी जो जेठानी है परिणीता, उसके लिए भी यही रूल बना कि वी कैन हैव लेमन जूस, यू नो, नींबू पानी बना के हम लोग पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। तो लेकिन जब से साधना पदा हुआ है उसके बाद मेरे लिए फास्टिंग कोई इशू ही नहीं रहा है। हम वैसे भी रोज दो ही बार खाते हैं और पहला मील मेरा 12 बजे के लगभग होता है, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं नहीं खाना। हो सकता है रात तक थोड़ा एनर्जी डल हो जाए, बट लेट्स सी, आई एम रियली एक्साइटेड दिस ईयर, क्योंकि आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फास्ट फॉर द होल डे। एंड फास्टिंग के साथ साथ आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, पूजा। ट्रेन आई, ट्रेन आई, ट्रेन आई। ये ट्रेन आ गई, ट्रेन चली गई। ये कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। ये ट्रेन हाँ, तो गुमटी बंद था तो हम थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो हम वही कह रहे थे कि साधना पदा के वजह से मेरे अंदर बहुत टॉलरेंस आ गया है भूख को लेकर के। तो इस बार हम उतने स्ट्रेस्ड नहीं है, रादर हम बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हमको ना हमेशा से सजना धजना बहुत पसंद है। मेरे और मेरे सास के बीच का सबसे कॉमन फैक्टर दैट वी लव ड्रेसिंग अप और पूरा एकदम इंडियन अटायर गेट अप। तो हम बहुत एक्साइटेड है कि तीज में हम कैसे दिखेंगे। ओ माय गॉड, वाओ, ये आ गए हम लोग वेस्ट साइड। ये काफी सुंदर है, वेरी नाइस। ये देखिए तो ये फुल है क्या? देखो ना कैसा लग रहा है, मस्त है ना? दूसरा ऑप्शन ही नहीं देखा, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। हां हां ये वाला। नाउ दिस लुक्स नाइस, है ना? वेरी नाइस। ये कौन है? बेहतरीन के देखो ना बेबी, ये देखो, वेरी नाइस, आई लव दिस, है ना? यस। एक बार ये गोल्डन वाला भी ट्राई कर, ये पसंद है तो पसंद है, तो उसमें सोचना क्या, ले लो। हमको जो खरीदने आए थे हमको वो मिल गया है, नाइट सूट मिल गया है, हमको चप्पल मिल गया है। लेकिन अभी आप देखिए एक बार ऐश्वर्य निगम को लेडीज कॉर्नर में वो कैसे घूम रहा है, देखिए। और उसकी मर्जी है कि हम कम से कम यहाँ से और कुछ चार पाँच चीज खरीद लें, कम से कम यार आई हो तो कम से कम। और हम थोड़े से कंजूस है, बिना मतलब का हम ना किसी टारगेट के बिना कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं। और ऐश्वर्य देखिए, देखिए उसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो क्या, देख रहे हो बताओ ना, क्या देख रहे हो, तुम अपने लिए कुछ देख रहे हो? हाँ, ये टी शर्ट देखो, तो ये कैसा लगे मेरे मालूम, सच बताओ तो क्या देख रहे हो, बताओ ना। देख रहे हैं कि और क्या लिया जाए, किसके लिए और किसके लिए दिया जाएगा। अरे तो कितना लेना है भाई, मस्त लग रहा है, मस्त। नाइस। तो दिन का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। सुबह हम गए जा करके शॉपिंग करके चले आए, और अब क्योंकि नहा खा है तो आज के दिन नहा के फिर खाएंगे।
लेकिन उसके पहले जो भी प्रोसेस है आलता लगाने का, जो भी पूजा एक रूम में कुछ प्रोसेस करना होता है वो करके और फिर खाएंगे। तो अभी हमको आलता लगेगा, उसके पहले मम्मी हमको बोलिए तुम नेल पॉलिश लगा लो। और नेल पॉलिश एक्चुअली लगवा सकते हैं, आती है ना यहाँ पे वो हजामिन लोग, लेकिन हमको ना तो हम खुद ही लगाना प्रेफर करते हैं नेल पॉलिश। हम इवन शूट पे भी जब हम रहते थे तो मेकअप दादा से नहीं लगवाते थे, हमेशा खुद लगाते थे। थोड़े परफेक्शन का बीमारी है ना हमको। हजामिन इनने देखा इनने हमरा को देखिए ये जो आपको ये देखिए एक बहू है दीपाली और एक अनूठी। अनूठी देखिए इनका नाम अनूठी है। अनूठी जी इनने ताका, अनूठी जी इनने ताका ना हो। हाँ तो हम निकल पड़े हैं मेहंदी लगवाने। ये मेरे ड्राइवर हैं, बहुत ही हैंडसम हो चुके हैं मेरे ड्राइवर। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे रिची कलेक्शन करके एक जगह, रिची कलेक्शन करके एक जगह जहाँ पे जैसे पटना में मोरे लोग के बाहर सारी लड़की जानती होगी, मोरे लोग में लगाते थे मेहंदी, आजकल बोरिंग रोड में भी शुरू हो गया, वैसे यहाँ पे एक जगह जहाँ पे मेहंदी लगती है। देखो ये होती है कारीगरी। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत चपल हैं, कोई भी मेहंदी अच्छा लगा सकता है, बात ये है नहीं। तो ये लग गया है, इस हाथ में लगा है अरुण भैया ने, इस हाथ में लगा है राहुल भैया ने, मेरी मेहंदी हो गई है तैयार। अब जब रंग आएगा तब, नहीं आया तब हम बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रात के या सुबह के जिसके कह लीजिए, सुबह के 2:30 बज रहे हैं। ये है मौसमी का कटा हुआ पीसेस, ये है मौसमी का जूस, ये है हमारा जूस वाला, सुबह सुबह जूस निकाल रहा है 2:30 बजे। ये है रसगुल्ला, ये है दही, ये है कटोरी, ये है मेरी मम्मी, ये है ग्लूकोन डी, ये है कुछ फल जो हम लोग नहीं खाएंगे। यहाँ पे हो रही है सरगही। क्या आपको सरगही नहीं आती? आपको सरगही नहीं आती? आपकी सास आपको सरगही नहीं भेजती? पता किस फिल्म का है? कभी खुशी कभी गम। रात के 2:30 बजे उठने के बाद, सरगही करने के बाद, अब हम और मम्मी जा रहे हैं कथा सुनने। तो हम लोग के इस बार घर पे मेरे ससुराल में देहांत होने की वजह से हमारे यहाँ तीज विधिवत नहीं मनाया जा रहा है, पंडित जी नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग को ऐश्वर्य अभी ड्रॉप कर दिया था, एक मामी जी हैं उनके घर पे, वहाँ पे हम लोग पूजा करके और अब वापस लौट रहे हैं। तीज व्रत खत्म करने के लिए सुबह सुबह हम और मम्मी फिर से जा रहे हैं, जहाँ पे कथा पे बैठे थे वहाँ पे जाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर मंदिर जाएंगे एंड फिर पारण। पारण का मतलब होता है भूखे रहने के, नेक्स्ट डे जब फास्ट तोड़ते हैं तो वो पारण करके तोड़ते हैं। और उनका वाला फोटो आएगा। तो मेरा मुंह देख के तो नहीं लग रहा होगा, ना ही मम्मी का मुंह देख के लग रहा होगा कि हम लोग एक दिन से कुछ नहीं खाए। तीज खत्म होने जा रहा है, हम लोग अभी मंदिर जा रहे हैं, देन वी विल कंक्लूड विद द फाइनल पूजा और फिर कुछ खाएंगे। पारण टाइम, तीज व्रत खत्म करने का।
का समय आ गया है। ये देखिए, ये है किराओ की पकौड़ी, ये है किराओ की सब्जी, ये थोड़ा सा हम घी डालेंगे उसके ऊपर गार्निश, ये है गरम गरम गोविंदो भोग चावल, थोड़ी दही हम लोग खाते हैं, थोड़ी सी दही फॉर द रिचुअल, ये है मेरी सासू माँ, ये है उनकी, जा रहे हैं पारण करने, ये है उनकी बहू, बाय बाय कर दीजिए मम्मी, बाय।